हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कोई लेसन नहीं करने जा रहा हूँ। मैं इसमें कॉमन क्वेश्चन का मैं आंसर करूँगा जो मुझे अक्सर लोग भेजते हैं। फेसबुक जो पेज है उस पे भी पर्सनली भी कई बार वो सवाल मुझे मिलता है, और यहाँ पर तो कम मिलता है इस चैनल पे, क्योंकि इस पे अभी नया चैनल है और काफ़ी कम सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन दूसरे मेरी साइट है टॉपिक गाइड, उस पर लाखों लोग देखते हैं उस साइट को हर महीने, तो वहाँ पर ये सवाल इतने फ्रिक्वेंटली आता है कि मैं कभी कभी उब जाता हूँ कि क्या रिप्लाई करूँ इसका। तो मैं उस क्वेश्चन को आज आंसर करूँगा कि कोरियन लैंग्वेज सीखने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न कोरियन लैंग्वेज। मैं खुद कोरियन लैंग्वेज सीख रहा हूँ, मतलब नहीं सिर्फ सीख नहीं रहा हूँ, मतलब सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ और भी काम कर रहा हूँ उस फील्ड में, बट टोटल हाँ 13 ईयर्स आई थिंक हो गए हैं मुझे। लेकिन 13 ईयर्स के बाद में कैन आई से कि मैंने कोरियन लैंग्वेज सीख ली है? नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी भी मैं सीखता हूँ, सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भी सीखता हूँ, रोज़ सीखता हूँ नई नई चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती हैं, बिल्कुल भी नहीं आती, और शायद वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। आज से 20 साल 25 साल के बाद भी मुझे नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब इसका मैं एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, अगर आपको लगे कि ये बताना इतना मुश्किल क्यों है। कोई अगर आपसे पूछे, कोई व्यक्ति जो कभी स्कूल नहीं गया है, या कोई बच्चा आपसे पूछे कि मैथमेटिक्स सीखने में कितना टाइम लगेगा, या फिजिक्स में कितने दिन में सीख लूँगा, तो आप कैसे आंसर करेंगे उसको? कितना ड्यूरेशन देंगे आप उसको कि मैथ सीखने में कितना महीना लगेगा, कितने साल लगेंगे, या फिजिक्स सीखने में कितना समय लगेगा? मुश्किल है ना, क्योंकि मैथ सीखना को कोई लिमिट है क्या? आप आइंस्टाइन और न्यूटन और ये सारे लोग ये भी मैथमेटिक्स से नहीं कह सकते कि हाँ आइंस्टाइन ने तो मैथ सीख ली थी, उनके पास अब और कुछ नहीं बचा था सीखने को मैथ में। तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो आपको अगर सीरियसली इसका आंसर आपको चाहिए, तो आपका सवाल बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए कि किस लेवल तक सीखना है ना, क्योंकि सीखना तो अपने आप में कोई वर्ड उसका कोई मतलब नहीं है। अगर किसी को हांगल आती है तो उसने भी कोरियन सीखी हुई है, किसी ने PhD की है कोरियन में तो उसने भी सीखी हुई है, दोनों सीखे हुए हैं, दोनों सीख रहे हैं, लेकिन सीखने में कितना टाइम लगेगा, ये अपने आप में बहुत ही वेग है सवाल, ये है ना, क्योंकि इसका स्पेसिफिक आंसर देना मुश्किल है। तो आप जैसे अगर मैथमेटिक्स में कोई पूछता है कि मुझे मल्टीप्लिकेशन सीखने में या फिर डिवीजन सीखने में, जोड़ घटाओ सीखने में कितना समय लगेगा, तो उसका आंसर दिया जा सकता है कि भाई ध्यान से सीखोगे तो 2 घंटे में सीख सकते हो, या 2 दिन लगेंगे, या 10 दिन लगेंगे, उसका आंसर दे सकते हैं आप। लेकिन अगर मैथमेटिक्स सीखने में कितना टाइम लगेगा, ये सवाल अपने आप में थोड़ा वेग है। अब उसमें कितने सारे फैक्टर्स हैं, ये देखिए, आप कोरियन लैंग्वेज कहाँ सीख रहे हैं, यूनिवर्सिटी में आप BA कोर्स कर रहे हैं, डेली 10 घंटे 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं उसके लिए, या फिर आप किसी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं जहाँ आप घंटा भर सीखते हैं, या कहीं ट्यूशन आप ले रहे हैं जिसमें आप हफ्ते में 2 दिन 2 घंटे क्लास करते हैं, या यूट्यूब से सीख रहे हैं जहाँ पर आप हफ्ते में 1 लेसन लेते हैं और बाकी 2 घंटा खुद से पढ़ते हैं, बाकी टाइम में जॉब कर रहे हैं। कैसे सीख रहे हैं आप, कितना टाइम दे रहे हैं, कितना एफर्ट दे रहे हैं, कितना आपके इंटीग्रल पार्ट है आपकी लाइफ का, आपके स्टडी प्लान का, वो डेली रूटीन का, और उसके वो सारी उस मैटर करती हैं, उसके बेस पर डिपेंड करेगा कितने दिन में कितना सीखेंगे आप। उसके अलावा हर किसी का लैंग्वेज लर्निंग का एप्टीट्यूड होता है अपना अलग। कई लोग लैंग्वेज बहुत जल्दी सीखते हैं, फास्ट सीखते हैं, उनको मान लो साइंस समझने में मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, लेकिन लैंग्वेज बहुत फास्ट अच्छे से जल्दी से लर्न करते हैं वो। कई लोगों को उल्टा है कि बाकी चीज़ें पढ़ा लो उनको, लेकिन लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आती, तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि नहीं सीख सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा लंबा लगेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, किस जगह पे आप रह रहे हैं, कोई कोरिया में रह रहा है तो जितना 6 महीने में सीखेगा उतना, इंडिया में रहेगा तो उसको सीखने में 2 साल लगेंगे, किसी का कोई कोरियन फ्रेंड है तो उसको सीखने में टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, प्रैक्टिस कर सकता है वो बार बार। तो अल्टीमेटली इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो। तो आप अपने आप से देखिए, थोड़ा सा पढ़ के देखिए, 1-2 लेसन 3 लेसन कीजिए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हाँ इतना मैंने कवर कर लिया इतने दिन में, तो मुझे लगता है कि इतने टाइम में मैं सीख लूँगा। या आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन दीजिए कि मैं इसका टॉपिक 1 का लेवल कितने दिन में कर सकता हूँ अगर मैं डेली 2 घंटे पढ़ूँ तो। सवाल इस तरह से होना चाहिए, तब जाकर के आपको सही आंसर मिलेगा, अदरवाइज आपको आंसर वेग ही मिलेंगे। या कि आपको एक बेसिक कॉन्वर्सेशन करना है किसी फ्रेंड के साथ में, या कहीं पर टैक्सी लेनी है, या रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करना है, तो उस लेवल तक सीखने के लिए कितना टाइम लगेगा अगर मैं इतनी देर पढ़ूँ और ऐसे पढ़ूँ तो, वही बताना होगा आपको। तो ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का कि
लेकिन हाँ, अगर ब्रीफली मैं, चूँकि वीडियो देख ही रहे हैं आप, तो थोड़ा सा बता दूँ आपको कि नॉर्मल कन्वर्सेशन के लाइक, अगर किसी फ्रेंड से आप थोड़ी सी कोरियन में बात करना चाहते हैं कि आज क्या किया, कल क्या करोगे, मिलते हैं वीकेंड में, खाना खाते हैं, मैं यहाँ गया वहाँ गया, उतनी सीखने के लिए लैंग्वेज आपको थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं, अगर आप हफ्ते में 2-3 घंटे 4 घंटे भी ढंग से पढ़ते हैं, तो 2-3 महीने 4 महीने में आपको उतना आ जाएगा। बाकी टॉपिक लेवल के हिसाब से, अगर आप टॉपिक वन और टू दो होते हैं, वन में 2 लेवल होते हैं और 2 में 4 लेवल होते हैं, आप डिटेल में देख सकते हैं साइट पे जाकर के टॉपिक गाइड की। लेकिन टॉपिक वन का पहला लेवल, आई थिंक कि अगर आप सेम कन्वर्सेशन स्किल आप 3-4 महीने में लेंगे, तो उतने में ही आपको वो क्लियर हो जाएगा। टॉपिक टू के लिए 1-2 महीना और ऐड कर लीजिए। टॉपिक 3 इज़ अ बिग जंप, वो काफ़ी गैप है, टॉपिक लेवल 2 में और 3 में बहुत बड़ा गैप है, तो उसके लिए आपको साल भर 1.5 साल तक भी पढ़ना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, टॉपिक 3 की वैल्यू है, उसके बेस पर यू कैन गेट ए जॉब, उसके बेस पर स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, तो 3 की वैल्यू काफ़ी ऊपर है, तो उसके लिए आपको 1.5 साल भी 2 साल भी पढ़ना पड़ता है, तो दैट्स वर्थ इट। तो दैट्स इट। बाकी नेटिव लेवल की कोरियन आपको कि बिल्कुल आप कोरियन लोगों के साथ में बैठ के पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन कर पाएँ और ग्लोबलाइजेशन और पोल्यूशन के ऊपर में बात कर पाएँ, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर में, तो उसके लिए तो आपको 3-4 साल पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़ समझनी हो तो 5-7 साल भी पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद 10 साल के बाद भी आपको 100% तो समझ में नहीं आएगा वो न्यूज़पेपर और वो इकोनॉमिक्स के ऊपर आर्टिकल्स, वर्ड्स हमेशा रहेंगे। सेम बात है ना, कोई अगर फॉरेनर हिंदी सीखे तो उसे वो हिंदी के जो हमारे महाभारत और रामायण दे दो, उसको वेद व्यास का वो ग्रंथ लिखा हुआ दे दो, तो वो पढ़ने के लिए तो 20 साल कोई हिंदी पढ़े तब भी हमें ही समझ में नहीं आती, कई बार वर्ड्स उसमें ऐसे ऐसे आते हैं, तो फॉरेनर को कहाँ जाएंगे। तो दैट्स इट। बाकी आपको स्पेसिफिक कुछ पूछना हो कि किस चीज़ को किस लेवल तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कितना होगा, कितना समय लगेगा, तो यू आर वेलकम टू आस्क दैट क्वेश्चन इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैम। थैंक यू।